नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने चैप्टर नंबर 16 खुशहाल वन किया था, राइट? नाउ स्टूडेंट, आज हम वो चैप्टर आगे करेंगे और फिर साथ ही साथ हम उसके क्वेश्चन आंसर है वो भी हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले हमने खुशहाल वन में क्या देखा था? तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमने देखा था कि चतुरलाल बंदर था और वो बहुत खुश था, क्योंकि जो शेर सी थे, शेर महाराज थे, वो क्या करने वाले थे? रंगीला चैनल शुरू करने वाले थे। फिर चुटकू बंदर, चुटकी बंदर या और सब अपनी अपनी बातें करते कि डांसिंग मोर को नृत्य का कार्यक्रम दिया जाए। फिर डिक्कू गधा होता है, वो क्या कहता है? मोटू भालू को क्या सौंपा जाता है? कहानियां बोलने का, राइट? वो कहानियां का प्रोग्राम करेगा। फिर डांसिंग मोर को नृत्य का कार्यक्रम करने के लिए कहा जाता है और निक्की कोयल को समाचार सुनाने का उसको एक काम दिया जाता है। ये सारे सब चंपू हिरन और वो सारे सब कुछ सुझाव देते हैं कि ये ऐसा करो वैसा करो, राइट? और सारी पूरे जंगल में पूरा माहौल कैसा था? एकदम खुशनुमा, क्योंकि सभी एकदम खुश खुश थे, क्योंकि शेर महाराज रंगीला चैनल शुरू करने वाले थे। तो फिर क्या हुआ था कि भालू जी, भालू था जो बुद्धिराम भालू थे, वो भी कुछ एक नई खुशखबरी लेके आए थे। क्या खुशखबरी लेके आए थे? यस, कि ओकिया कंपनी के मालिक ने जंगल में वो शुरू की है मोबाइल की कंपनी, राइट? तो स्टूडेंट, अभी हम लोग वहां से ही हमारा जो ये सेशन है, ये जो चैप्टर है, वो स्टार्ट करते हैं, राइट? पेज नंबर 87 निकालो और फिर हम लोग 87 से ही आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कौन सी खुशखबरी बुद्धि भैया, डिकू गधा और कुटकुट गिलहरी पूछते हैं। फोकिया कंपनी के मालिक ने हमारे वन में फोकिया मोबाइल की कंपनी खोली है, बुद्धिराम भालू एक सांस में पूरी बात कह गए। बुद्धिराम भालू ने कह दिया सारी बातें कि फोकिया कंपनी वालों ने हमारे वन में अपनी मोबाइल की कंपनी खोली है और हम लोग इसलिए वो सब भी खुश हो गए। वाह वाह, एक साथ दो दो खुशखबरी, मजा आ गया, मोबाइल से दूरियां घट जाएगी, हम सब एक दूसरे से खूब बात कर सकेंगे। छुटकी बंदर या चमकते हुए बोली, बहुत खुश हो गए सबको सभी, क्योंकि टीवी में उनकी चैनल शुरू होने वाली थी और मोबाइल भी आ गया और मोबाइल के आने से दूरियां कम हो जाती है एक दूसरे की, राइट? हम लोग एक दूसरे की दूरियां कम हो जाती है और हम लोग आसानी से, देखो जैसे कि मैंने आगे के सेशन में भी बात की थी कि दूरियां खत्म हो जाएगी, दूरियां कम हो जाती है। हम लोगों को कभी भी किसी को भी देखना होता है तो हम लोग फोन कर लेते हैं, उनकी बातें सुन लेते हैं, आवाज सुन सकते हैं, हम उनको वीडियो कॉल द्वारा उनको देख भी सकते हैं, राइट? तो ये सारे मोबाइल के प्लस पॉइंट है। नाउ चतुरलाल ने सबको समझाते हुए कहा, यही तो विज्ञान के चमत्कार है। देखो चतुरलाल ने कहा क्या था कि यही तो जो है वो विज्ञान का चमत्कार, विज्ञान यानी कि साइंस, ये जो हमारे विज्ञान है, जो हमारी साइंस है, जो जिससे सब कुछ खो जाए, राइट, वो सबका चमत्कार है। हम लोग देखते हैं कि हमारा 21वीं सदी है वो पूरा विज्ञान का युग है। हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर्स है, टीवी है, कार्स है, व्हीकल्स है और सब कुछ डिफरेंट टाइप की बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग विज्ञान के चमत्कार उसमें देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सोलार लाइट, राइट, सोलार हमारे जो गीजर होते हैं, जैसे कि पानी गर्म होना सोलार की मदद से, तो वहां पर भी हमने सूर्य की मदद से, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी विज्ञान की खोज का ही हमारे पास एक नमूना है कि ऊपर पानी गर्म होता है वो हमारे नल में आता है। अभी तो सोलार लाइट भी लगती है कि सोलार में सेव एनर्जी सेव होती है और फिर हमारे घर में उजाला होता है, तो ये भी एक विज्ञान की ही खोज है। हर समय हम एक दूसरे के संपर्क में रह सकते हैं, टीवी से दुनिया भर की और मोबाइल से अपने को, राइट? देखो मोबाइल से हम अपने आप को एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और टीवी के भी दौरान, टीवी में भी सब आते हैं, सब कुछ भी हम लोग देखते हैं, तो उससे भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, समझते हैं, राइट? खासकर इस समय जब हम लोग, हमारे स्कूल ओपन नहीं है तो हमने टीवी और मोबाइल का खूब उपयोग किया है, राइट? नाउ पेज नंबर 88 निकालो स्टूडेंट और 88 पर आप लोगों को मेरे साथ साथ भी रीड करना है, क्योंकि बिना आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे, राइट? थोड़े दिनों के बाद रंगीला चैनल शुरू हो गया। क्या हुआ? थोड़े दिनों के बाद रंगीला चैनल शुरू हो गया।
और सभी ने फोकिया मोबाइल ले लिया और सभी ने फोकिया में मोबाइल भी ले लिया। देखो ये एक स्टोरी है, बट स्टोरी में से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है कि देखो कैसे सब एक दूसरे के चैनल में कुछ भी शुरू होने वाला था तो कैसे सब एक दूसरे का साथ दे रहे थे, है ना। तो हमें भी जीवन में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो थोड़े ही दिन हुए और रंगीला चैनल शुरू हो गया और सबने फोकिया मोबाइल ले लिया। थुलथुल हाथी मोबाइल फोन को लेकर बहुत परेशान था, सभी ने मोबाइल लिया था, बट ये जो थुलथुल हाथी था ना, क्योंकि हाथी कैसा होता है, एकदम बड़ा होता है, और वो तो एकदम परेशान हो गया था। थुलथुल हाथी की सूंड से छोटा सा मोबाइल फिसल जाता था। उसकी सूंड कैसी होती है, बड़ी होती है, तो वो अपने हाथ में मोबाइल लेते और अपनी सूंड से वो फिसल जाता था उसका मोबाइल, क्योंकि सूंड बड़ी होती है और मोबाइल इतना सा, तो वो फिसल जाता था। एक दिन तो वह थुलथुल हाथी के कान के अंदर गिरते गिरते बचा, क्योंकि उनके कान कैसे होते है, सूंड की तरह, राइट, सुपड़ा जेवा कान आपने कही ना, तो उसके कान तो बड़े बड़े होते और मोबाइल होता है छोटा सा, तो ऐसे सूंड से करके ऐसे ले गए। तो एक दिन तो उनका मोबाइल था वो कान में जाते जाते बच गया, राइट। तो ये तो मोबाइल की वजह से थुलथुल हाथी तो बहुत परेशान हो गए थे। इस समस्या का समाधान तभी निकल पाया जब फोकिया कंपनी ने बड़े आकार का मोबाइल थुलथुल हाथी के लिए बनाया। देखो फिर कब ये समस्या हल हुई, क्योंकि एक तो वो सुन से वो मोबाइल पकड़ नहीं सकते थे और दूसरा था कि वो कान के पास ले जाते तो उसका कान बड़ा होता तो उसके अंदर चला जाता था। तो एक ही इसका हल निकला कि फोकिया कंपनी वालों ने थुलथुल हाथी के लिए एक बड़ा फोन बनाया और उस समस्या का समाधान निकल गया। महाराज शेर सिंह अपने वन का विकास देखकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो गए। देखो ये एक विकास की बात है कि उनके जंगल में इस प्रकार की नई नई सुविधाएं उपलब्ध हुई, विज्ञान के चमत्कार उन्हें देखने मिले। तो ये सारी सुविधाएं उन्हें प्राप्त हुई, ये सब कुछ देखकर ये जो शेर महाराज थे, शेर सिंह थे, वो बहुत खुश हो रहे थे। अपने जंगल का विकास देखकर वो बहुत खुश हो रहे थे, राइट। तो देखो आप लोगों को समझ में आया कि व्यवहार ज्ञान, हम लोग व्यवहार में भी हम लोग कैसे रहते हैं, जैसे कि ये जंगल में हमने देखा कि सब लोग कैसे एक दूसरे के साथ मिलजुल के कुछ नया करते हैं। तो हमें भी कुछ नया करना हो तो हमें भी एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अगर हम लोग कोई भी काम नया कर रहे हैं तो एक दूसरे के साथ हम लोग वो काम बेहतर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये हमारी स्टोरी है वो कंप्लीट होती है, पूरी होती है, राइट। नाउ आज हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर, क्योंकि क्वेश्चन आंसर के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमें हमारा लेसन कंप्लीट मालूम होना चाहिए, राइट। तो क्वेश्चन आंसर हमारे दो प्रकार के होते हैं, बोलने की बारी वाले और लिखने की बारी वाले, राइट। तो सबसे पहले हम करते हैं बोलने की बारी वाले प्रश्न, राइट। बोलने की बारी, राइट। तो बोलने की बारी वाले में फर्स्ट क्वेश्चन है, चतुरलाल बंदर किस खुशी में मिठाई बांट रहा था। चतुरलाल बंदर किस खुशी में मिठाई बांट रहा था, याद करो हमारा लेसन कि वो मिठाई क्यों बांट रहा था। तो शेर सिंह ने वन में टीवी चैनल शुरू करने का निश्चय किया था। शेर सिंह ने वन में यानी कि जंगल में टीवी चैनल शुरू करने का निश्चय किया था और चतुरलाल बंदर को कैमरा मैन का काम दिया था, इसलिए वह मिठाई बांट रहा था। हमने देखा था कि एक तो शेर सिंह थे वो जंगल में क्या खोलने वाले थे, टीवी चैनल, और उस टीवी चैनल का नाम क्या था, रंगीला, क्या था, रंगीला। और इस चतुरलाल बंदर को क्या काम सौंपा गया था, यस, उनको कैमरा मैन बनाया गया था, कैमरा लेके सब कुछ शूट करते है ना वो, तो उन्हें ये काम सौंपा गया था, इसलिए वो खुशी के मारे सभी जानवरों को ये खुशी सुनाते जा रहे थे और मिठाई बांटते जा रहे थे। शेर सिंह ने वन में टीवी चैनल शुरू करने का निश्चय किया था और चतुरलाल बंदर को कैमरा मैन का काम दिया था, इसलिए वह मिठाई बांट रहा था। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, मोर को नृत्य का कार्यक्रम बनाने के लिए क्यों चुना गया। मोर को नृत्य का कार्यक्रम क्यों चुना गया, उसको
हमने देखा था कि डांसिंग मोर है तो उसको नृत्य का काम सौंपा गया था कार्यक्रम के लिए, भालू जी को कहानियां सुनाने के लिए, तो उन्हें ये काम क्यों सौंपा गया था? मोर तो सदा नाचता रहता है, उसका नृत्य देखकर सभी मोहित हो जाते हैं, इसलिए उसे ही नृत्य का कार्यक्रम बनाने के लिए चुना गया। राइट, मोर को क्यों चुना गया? क्योंकि वो तो हमेशा नाचते ही रहता है और साथ ही साथ क्या होगा कि वो हमेशा नाचता रहता है और उनका नाच देख के सब मोहित हो जाते हैं। मोहित रहना है यानी कि एकदम उस पर सीधा हो जाते हैं। राइट, मोर का नाच कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि जिसको मोर का नाच अच्छा ना लगे। राइट, तो मोर का नाच बहुत सुंदर होता है, सब उस पर मोहित हो जाते हैं, इसीलिए मोर को नृत्य का कार्यक्रम के लिए चुना गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, थुलथुल हाथी क्यों परेशान था? लास्ट आज ही हमने देखा कि थुलथुल हाथी क्यों परेशान था, तो थुलथुल हाथी मोबाइल फोन को लेकर परेशान था क्योंकि उसकी सूंड से छोटा सा मोबाइल फिसल जाता था। राइट, थुलथुल हाथी परेशान क्यों था, किसकी वजह से परेशान था? क्योंकि वो मोबाइल की वजह से परेशान था। और क्यों? क्योंकि बड़ी सी सूंड से उसका छोटा सा मोबाइल वापस बार बार फिसलता जाता था। राइट, कई बार तो क्या होता था उनके कान में भी जाते जाते बच जाता था। राइट, तो थुलथुल हाथी क्यों परेशान था? तो थुलथुल हाथी मोबाइल फोन को लेकर परेशान था क्योंकि उसकी सूंड से छोटा सा मोबाइल फिसल जाता था। राइट, नाउ यहाँ पर बोलने की बारी वाले क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं हम लोग लिखने की बारी वाले क्वेश्चन। देखो लिखने की बारी वाले क्वेश्चन, अगर हम चाहे अगर कोई बड़ा कोई क्वेश्चन आप लोगों को लगे लिखने की बारी, राइट, लिखने की बारी वाले क्वेश्चन, अगर आप लोगों को लगे कि कोई भी क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसके पॉइंट्स कर सकते हैं। राइट, उसमें सबसे पहला प्रश्न है टीवी चैनल कौन शुरू कर रहा था? टीवी चैनल कौन शुरू कर रहा था? तो टीवी चैनल महाराज शेर सिंह चालू कर रहे थे। कौन शुरू कर रहा था? जंगल के राजा कौन? महाराज शेर सिंह। टीवी चैनल महाराज शेर सिंह शुरू कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2, निक्की कोयल को ही समाचार पढ़ने का सुझाव क्यों दिया गया? निक्की कोयल को पढ़ाने का समाचार सुनाने का क्यों सुझाव दिया गया? निक्की कोयल को ही समाचार पढ़ने का सुझाव दिया गया था क्योंकि उसकी मीठी आवाज से दुनिया भर की खबरें बहुत अच्छी लगेगी। क्योंकि उसकी आवाज कैसी होती है? एकदम मीठी होती है, और कोयल की आवाज मीठी होती है तो वो आवाज सुनने में बहुत अच्छी लगती है। तो वो जब सारे न्यूज सबके न्यूज सुनाएगी तो कितना अच्छा लगेगा। राइट, इसीलिए उसको चुना गया था। निक्की कोयल को ही समाचार पढ़ने का सुझाव दिया गया था क्योंकि उसकी मीठी आवाज में दुनिया भर की खबरें बहुत अच्छी लगेगी। राइट, कोयल की आवाज एकदम मधुर और मीठी होती है, जानते ना हम सब। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, थुलथुल हाथी की समस्या का समाधान कैसे हुआ? सबसे पहले तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा कि उन्हें क्या समस्या थी, कि उनकी समस्या ये थी कि छोटा सा मोबाइल और बड़ी सी सूंड, तो उसकी सूंड में मोबाइल रहता नहीं था, फिसल जाता था, और कई बार तो उनके कान में भी मोबाइल जाते जाते बच जाता था, तो उनकी ये समस्या थी। फिर उसका हल कैसे निकला, उसका आंसर हमें लिखना है कि थुलथुल हाथी की समस्या का समाधान कैसे हुआ। तो थुलथुल हाथी की समस्या का यह थी कि छोटा सा मोबाइल उसकी सूंड से फिसल जाता था। फोकिया कंपनी ने थुलथुल हाथी के लिए बड़े आकार का मोबाइल बनाकर उसकी समस्या का समाधान कर दिया। क्या किया? फोकिया कंपनी ने एक बड़े से आकार का मोबाइल उनके लिए बना दिया। किसके लिए? थुलथुल हाथी के लिए, और उनकी समस्या का समाधान हो गया। थुलथुल हाथी की समस्या यह थी कि छोटा सा मोबाइल उसकी
की सूंड से फिसल जाता था। फोकिया कंपनी ने थुलथुल हाथी के बड़े आकार का मोबाइल बनाकर उसकी समस्या का समाधान कर दिया था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। महाराज शेर सिंह क्यों प्रसन्न हो रहे थे? अभी आज ही हमने किया ना लास्ट कंप्लीट, उसमें ही था उसका आंसर। महाराज शेर सिंह प्रसन्न क्यों थे? महाराज शेर सिंह के वन में टीवी चैनल खुल गया, मोबाइल कंपनी खुल गई। अपने वन का विकास देखकर महाराज शेर सिंह प्रसन्न हो गए थे, राइट? क्योंकि उनके वन में एक तो टीवी शुरू हो गया चैनल और फोकिया कंपनी का मोबाइल भी आ गया और सब एक दूसरे का साथ देके कितना अच्छा काम कर रहे थे। तो ये सब कुछ देखकर शेर महाराज खुश थे। महाराज शेर सिंह के वन में टीवी चैनल खुल गया था, मोबाइल कंपनी खुल गई। अपने वन का विकास देखकर महाराज शेर सिंह प्रसन्न हो गए। देखो विकास यानी कि क्या, कि हम लोग देखते हैं कि हमारे चारों तरफ कितने प्रकार के विकास हो रहे हैं। कई जगह नई नई हॉस्पिटल्स खुल रही है जो हमारे लिए कहीं पर सहायक है, कई जगह नई नई पाठशालाएं, नई नई चीजें सीखने मिलती है। हमारे जो आजू बाजू जो विज्ञान के चमत्कार, जटनीस की कोई साइंस की कोई ऐसी खोज है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि हम लोग मोबाइल्स में देखते हैं कि नई नई ऐसी एप्लीकेशन होती है कि जिसकी वजह से हम हमारे काम को आसानी से कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओनली 4 क्वेश्चन आंसर। नाउ CW में सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये हमारी पाठमाला का है पोर्शन, वो कंप्लीट करेंगे। ओके, तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें क्या सीखना है इसमें से, कोई भी लेसन हो, आप लोगों को लगेगा कि कभी ऐसा थोड़ी ना होता है कि जंगल में कोई जानवर होता है और टीवी चैनल शुरू करता है, वहां पर कोई मोबाइल की कंपनी होती है। ये सिर्फ एक काल्पनिक बातें होती है, वार्ताएं कहानियां सिर्फ एक काल्पनिक बातें होती है, बट कहानियां ऐसी होती है कि कुछ न कुछ हमें सीखा जाती है, राइट? कहानियों से हमें बहुत ही सीख मिलती है। तो हमने इस कहानी से तो ये सीख प्राप्त की कि हमें जो हमारे जीवन में विकास हो रहा है उसका हमें स्वागत करना चाहिए, और व्यवहारिक ज्ञान यानी कि हम लोगों को एक दूसरे का एक दूसरों की सहायता करनी चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि चंपू हिरण था, वो कैसे सबकी सबको सुझाव दे रहा था कि ये करो वो करो, तो हमारे पास भी कुछ ऐसा नॉलेज है तो हमें भी किसी को ऐसे सुझाव देने चाहिए, किसी की हेल्प करनी चाहिए। डन। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। तो आप लोगों को अपनी CW में बोलने की बारी और लिखने की बारी वाले क्वेश्चन लिखने हैं विदाउट मिस्टेक, एक भी मिस्टेक नहीं करनी है। चाहे तो आप लोग अपने तरीके से लिख सकते हैं, बट आंसर कैसे होने चाहिए, राइट होने चाहिए। ओके डन। नाउ तो स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।